सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम में जब भी आप कोई भी टेम्पलेट यानी कि आज के टाइम में जो भी यहाँ पर लोग स्टोरी लगाते हैं और उसमें नीचे ऐड यूअर्स का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप जो है उसी स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम पर लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है आज के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसे आप ऐड यूअर्स का ऑप्शन जैसे आप देख ही पा रहे हैं नीचे यहाँ पर दे रखा है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये एरर आ जाता है, कुड नॉट ऐड टू टेम्पलेट, ठीक है। यानी कि आप कोई भी टेम्पलेट इंस्टाग्राम का भी यूज़ नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है आपके इंस्टाग्राम में, इसे आप जो है 110% सॉल्व कर सकते हो, अपने फ़ोन में से हटा सकते हो और आप जो है टेम्पलेट को इजीली यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलेगा इस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलेगा जान लेते हैं इस प्रॉब्लम की क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है नेटवर्क की वजह से। आप क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल सेंटर में आना है। यहाँ पे आने के बाद जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो, वाईफाई यूज़ कर रहे हो, आप क्या कर लेना है, बंद करके चालू कर लेना है। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो आपका जो राउटर होता है उसी पे आप बंद करके चालू कर सकते हो। हो सकता है कि इसमें इंटरनेट ना रहा हो और आप रिचार्ज भी आपका ख़त्म हो गया हो, इस चीज़ का आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेनली नेटवर्क की वजह से आती है। अगर आपका नेटवर्क एकदम अच्छी तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आगे में क्या करना है। आगे में क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। देन गाइस हमें सर्च करना होगा यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम लिखने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि अपडेट आ रखा है नहीं आ रखा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं अपडेट अवेलेबल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे अपडेट पे टैप कर देंगे। जैसे आप अपडेट पे क्लिक कर दोगे जो आपकी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो जाएगी। जैसे आपकी इंस्टाग्राम अपडेट हो जाए उसके बाद पावर बटन दबाइए, फ़ोन को यहाँ से रिबूट यानी कि रिस्टार्ट कर लीजिएगा जरूर से। देन आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करिए, आप देखोगे जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी सॉल्व हो जाएगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप क्या करिए, इंस्टाग्राम पे लॉन्ग प्रेस करिए, आपको आई बटन यानी कि ऐप इन्फो मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे मिलता है क्लियर डेटा, यहाँ पे आइए क्लियर कैच पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। उसके बाद क्लियर ऑल डेटा मिलेगा, क्लियर ऑल डेटा भी कर दीजिए। जैसे आप क्लियर डेटा कर दोगे आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर इंस्टाग्राम में लॉग आउट हो जाएगा, आपको सभी अकाउंट्स इंस्टाग्राम में दोबारा लॉगिन करने पड़ेंगे। लेकिन ये करना भी जरूरी है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं होती तो हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम को ओपन कर लेंगे। इंस्टाग्राम यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है, जैसे इंस्टाग्राम यहाँ पर लोडिंग हो रहा है अभी, जैसे ओपन हो जाए उसके बाद मैं आपको बता दूँ क्या करना है। अभी मैं अपनी प्रोफाइल पे आना है, उसके बाद आपको ऊपर राइट साइड में 3D लाइन देखने को मिल रही है, इस पर टैप करना है। देन आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, हेल्प का ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, आपको हेल्प पर टैप करना है। रिपोर्ट आप प्रॉब्लम पर टैप कर देना है, रिपोर्ट प्रॉब्लम पर दोबारा से टैप कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लोगे यहाँ पर हमें आएगा डोंट इंक्लूड कर देंगे। करने के बाद नीचे एक स्क्रीनशॉट ऐड हो रखा है, हम इसे हटा देंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो हमारी प्रॉब्लम था उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा प्लीज़ फिक्स दिस प्रॉब्लम। अगर आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में और अच्छे से बताना चाहते हो, कब आपको दिक्कत आई, किस चीज़ में आ रही है, सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन वो सब कुछ इंग्लिश में होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको उसे सेंड कर देना है। अब 24 से 48 घंटे या फिर आपको 72 आवर्स भी लग सकते हैं, यानी कि 1 से 2 दिन में आपको इंस्टाग्राम का रिप्लाई आ जाए या फिर उससे पहले ही आ सकता है और जो आपकी प्रॉब्लम आती है सॉल्व कर दी जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।